बोले नर्मदे मैया की, भारत माता की। मां नर्मदा की नगरी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे हैं, जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करें, वंदन करें। वीरों की धरती, महावीरों की धरती, माखनलाल चतुर्वेदी की धरती, हमारी इस पवित्र धरती पर आज सौभाग्य है हमारे बीच पधारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो लगातार पूरे देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहा है, सम्मान बढ़ा रहा है। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए एक बार आप जोरदार ताली बजा करके पुनः अभिनंदन करें। समय की कमी है, मैं सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहूंगा कि वो हमारे बीच मार्गदर्शन करें, जोरदार तालियां बजाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नगरी, जहां हमारे अपने मध्य प्रदेश से उनका जन्म हुआ, जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे मैं बरसों से बहुत ही निकट परिचय में रहा हूं, अनेक बार इस आदिवासी अंचल से मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है। मैं जानता हूं कि यहां कितनी दूर दूर तक बस्तियां हैं, गांव हैं, इसके बावजूद आप इतनी विशाल संख्या में हम सभी को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और मुझे कल बताया गया कि इतनी तेज बारिश यहां हुई थी कि लग रहा था कि आज कार्यक्रम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका प्यार, आपका उत्साह कि आपने प्राकृतिक तकलीफों के बावजूद भी रात रात मेहनत करके इतना शानदार भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे आगे जल्दी पहुंचना है, क्योंकि आज मुझे कर्नाटका, केरल एक लंबी यात्रा है, ढेर सारे कार्यक्रम है, तो उन्होंने अपना भाषण भी छोड़ दिया और मुझे बोलने के लिए निमंत्रित कर दिया। मैं मुख्यमंत्री जी के इस जेस्टर के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चौंका दिया था और होशंगाबाद ने तो कमाल कर दिया था। यहां से जो लहर उठी थी वो लहर पूरे देश में फैल चुकी है। आज देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। उनकी जन्मस्थली महू
यहां से ज्यादा दूर नहीं है, महू में उनका घर हो या देश विदेश में वे जहां भी रहे, उन स्थानों पर और उन स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का सौभाग्य भाजपा सरकार को मिला है। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उनको कभी नहीं दिया, वो सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला है। और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का ही काम किया है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके कारण ही आज गरीब मां का ये बेटा मोदी आपसे तीसरी बार सेवा का आशीर्वाद मांग रहा है। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी है। जिस समाज को सबसे अंत में पूछा गया, जिसको वंचित रखा गया, उस समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति के रूप में पहली नागरिक है। हमने बाबा साहब को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक भारत में उनके योगदान को नई पहचान दी है। आप मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, उस डिजिटल पेमेंट जो योजना है उसका नाम भीम यूपीआई है। ये भीम यूपीआई बाबा साहब के नाम पर हमने रखा है। भाइयों और बहनों, देश की आजादी में और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समाज का बहुत समृद्ध योगदान रहा है। इस मिट्टी ने तो गोंड वंश के राजा भभूति सिंह के रूप में एक महान स्वतंत्रता सेनानी देश को दिया है। यहां मेरी साथियों से प्रार्थना है कि अब मैदान में जगह नहीं है, कृपा करके आप थोड़ा थोड़ा संयम बरतिए, आप आगे नहीं आ पाएंगे। मुझे क्षमा कीजिए, आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, मैं इसके लिए आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कृपया कृपया आप आगे आने की कोशिश मत करिए, जगह नहीं है और ज्यादा भीड़ होगी, किसी को चोट लग जाएगी भैया, और आपको चोट लगना मतलब मुझे चोट लगना होता है। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज के योगदान को
कभी भी स्वीकार नहीं किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य भी बीजेपी की सरकार को मिला है। साथियों, कमाल देखिए, आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और मर्जी मुजब लिखवाया और खुद का ही महिमा मंडन करवाया। कांग्रेस की माने तो तब लोकतंत्र ठीक चल रहा था, फल फूल रहा था, ऐसे वो मार रहे गप्पे। लेकिन जैसे ही गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस अफवाह फैलाने लगी कि मोदी आया है, संविधान और लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। ये कांग्रेस वाले आपको पता नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान है ना, उसके कारण तो मोदी यहां पहुंचा है। अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 19 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 370 के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। और ये जलन भी मोदी के कारण नहीं है, ये जलन 140 करोड़ देशवासियों का मोदी के प्रति प्रेम के कारण है। वो ये प्रेम भी सहन नहीं कर पा रहे। भाइयों बहनों, ये लोग 10 साल से सत्ता से बाहर है, 10 साल में ऐसे छटपटा रहे हैं, ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे उनका सब कुछ लूट गया, उनकी भावी पीढ़ियों का ही जैसे लूट गया। और कांग्रेस वाले अगर यही कारनामे करते रहेंगे ना, उनका तौर तरीका यही रहेगा, तो ये जलन उनको इतनी जला देगी, उनको इतनी जला देगी कि देश आगे कभी मौका देने को तैयार नहीं होगा। और इसका कारण साफ है, आप दुनिया की स्थिति देख रहे हैं, युद्ध हो, अराजकता हो, अनिश्चितता की स्थिति,
चारों तरफ एक धुंधला वातावरण बन गया है, आशंका का वातावरण बन गया है। हर कोई भय के साए में दुनिया में रह रहा है, कब क्या होगा, कौन सी मुसीबत आएगी, दुनिया थर थर कांप रही है। ऐसी दुनिया के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। भारत आज और अधिक मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भाजप भारत की सेवा में इसलिए लगा है क्योंकि भारत मजबूत बने, भारत सशक्त बने। अब मुझे बताइए, ये काम क्या एक अस्थिर, कमजोर, भ्रष्ट, स्वार्थी नेताओं का इंडी गठबंधन मजबूती का काम कर सकता है क्या, देश को मजबूत बना सकता है क्या? अरे जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं बना सकती, वो देश को क्या मजबूत बनाएगी? आप मुझे बताइए भाइयों, शक्तिशाली भारत कौन बना सकता है? शक्तिशाली भारत कौन बना सकता है? मजबूत भारत कौन बना सकता है? सामर्थ्यवान भारत कौन बना सकता है? समृद्ध भारत कौन बना सकता है? शक्तिशाली भारत कौन बना सकता है? मैंने इतने सारे सवाल पूछे, मैं सोच रहा था आप लोग सही जवाब देंगे, लेकिन आपने तो हर बार गलत जवाब दे दिया। ये मोदी नहीं, ये आपका एक वोट कर सकता है, आपका वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है जो देश को ताकतवर बनाएगी, आपके वोट की ताकत है जो देश को शक्तिशाली बनाएगी। भाई और बहनों, अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली में मुझे भाजपा का संकल्प पत्र देश की जनता के चरणों में रखने का सौभाग्य मिला, और यहां आने से पहले उसी कार्यक्रम में था। मैंने वहां मोदी की गारंटी के बारे में विस्तार से बताया है। आप इंडी गठबंधन की स्थिति देखिए, वो तय कर नहीं पा रहे हैं कि घोषणा पत्र एक जिम्मेवारी होती है, देश की जनता के लिए कमिटमेंट होता है। उनके सभी साथी आपस में उलट पुलट ही कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं कि देश किस दिशा में जाएगा तय नहीं कर सकते। उनकी सरकार क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, ये भी उनकी बातों में कहीं नजर नहीं आता है। उनके घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक खतरनाक वादे हैं। अब देखिए, उनका एक साथी का घोषणा पत्र कहता है कि देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बनाने वाला घोषणा पत्र उनका है, एक एक लाइन ऐसी है। एक उनके साथी का घोषणा पत्र कहता है कि भारत से परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। बताइए भैया, कोई देश ऐसा सोचेगा क्या? परमाणु हथियार आज के युग में भारत को जरूरी है कि नहीं है? भारत की ताकत के लिए, भारत की रक्षा के लिए परमाणु हथियार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारे पास? जब दुश्मनों के पास इतनी ताकत हो और हम ये कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे,
ये किसकी भलाई के लिए बोल रहे हो भाई? ऐसा वादा कर रहे हैं लोग, क्या वो देश की रक्षा कर सकते हैं? जैसी घातक इनकी सोच है, वैसा ही घातक उनका घोषणा पत्र है। साथियों, भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के रूप में आपके सामने है। गांव हो या शहर, सरकार हर गरीब का पक्के घर का सपना पूरा करेगी, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे आप लोग? करोगे? हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? देखिए, इस बार चुनाव में आप जहां भी जाए तो आप सभी लाभार्थियों को मिलेंगे। हो सकता है एक गांव में 30-40 लोगों का घर बन गया हो, लेकिन अभी भी एक दो लोग छूट गए हो, उनको जाकर के बताना कि मोदी की गारंटी है, जिनका काम छूट गया है वो आने वाले दिनों में वो लाभ उसको भी मिलेगा। ये कह दोगे उनको? भाजपा आने वाले समय में 3 करोड़ नए घर बनाने का हमने संकल्प लिया है। दिव्यांग साथियों को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। यहां होशंगाबाद के किसानों को करीब 400 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के मिले हैं। और आने वाले 5 साल में ये पीएम किसान सम्मान निधि चालू रहेगी और करीब करीब 2000 करोड़ रुपया यहां के किसानों के पास आएंगे। गरीब को 5 साल तक मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा बुझना न जाए। गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ये भी चालू रहेगा, ये भी मोदी की गारंटी है। लेकिन ऊपर से हमने आज एक और गारंटी दी है। हमने कहा है किसी भी समाज का, किसी भी आर्थिक शक्ति वाला, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, सुखी हो, समृद्ध हो, 70 साल की ऊपर का कोई भी माता पिता को अब 5 लाख रुपए तक बीमारी की जिम्मेवारी ये उनका बेटा मोदी उठाएगा। और उनको लाभ होगा इतना नहीं, जो आज 25-30-35 साल के है ना, उन पर का बोझ मोदी उठा लेगा, वो जीवन में सुख चैन के लिए प्रगति के रास्ते पर बढ़ पाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं ये कितनी बड़ी सुविधा देश के बुजुर्गों को मिलने जा रही है। साथियों, मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। इतनी सारी दीदी मुझे दिख रही है सामने, ये मोदी की गारंटी है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। 3 करोड़ को मैं लखपति बनाना चाहता हूं। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें यहां आई है, ये आपके आशीर्वाद मेरे उस संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। अब बीजेपी ने संकल्प पत्र में ठाना है कि मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी का लोन जो पहले 10 लाख तक था उसे अब 20 लाख कर दिया जाएगा।
अब हर परिवार का नौजवान, हर परिवार की युवा बेटी अगर अपना कोई कारोबार करना चाहती है तो मोदी आपके साथ खड़ा रह जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के हमारे गरीब, दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के युवाओं को, हमारी बेटियों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। यहां पर्यटन आधारित रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं, इसके कारण इन नौजवानों को बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। छोटा गेस्ट हाउस बनाना हो, होम स्टे बनाना हो, छोटा ऑटो रखना है, टूरिस्टों के लिए जरूरी चीजें खड़ी करनी है, आप कल्पना कर सकते हैं नौजवानों के लिए कितने सारे अवसर लेकर के भाजपा का संकल्प पत्र आया है। सरकार होम स्टे के लिए जो आर्थिक मदद देगी उसका बड़ा लाभ यहां इस क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं को भी मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी ऑटो, ट्रक, टैक्सी ड्राइवर हैं, ऐसे साथियों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। मकसद यही है कि उनको भी बीमा और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। साथियों, 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि 2025 वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आदिवासी कला संस्कृति से जुड़ी विरासत को समृद्ध करने के लिए फंड बढ़ाया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी के कल्याण से जुड़ी योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरे, इसके लिए हर जिले में जो कमेटियां बनेगी उन कमेटियों में एससी, एसटी या ओबीसी के कोई न कोई प्रतिनिधि उस कमेटी में रखे जाएंगे। एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या 750 तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। जनजातियों में भी पिछड़ी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना पर पहले से ही काम चल रहा है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में इसे भी तेज गति से पूरा किया जाएगा। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश के हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे, मैं सुनाऊं, जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। कांग्रेस के शहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या?
अरे देश पूछ रहा है आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था। 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी, 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है, ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी। ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी, उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं, ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं, देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। भाइयों बहनों, आपने मुझे बहुत निकट से देखा है, दिन रात मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किसके लिए कर, सब बराबर देखा है ना मुझे, लगातार आप देख रहे हैं ना। आपको विश्वास हो गया है कि मोदी का अपना कोई सपना नहीं है। मोदी के लिए तो आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है। मैं आपके लिए ही पैदा हुआ हूं, आप सभी, ये पूरा देश मेरा भारत ही मेरा परिवार है और इसलिए आज चारों तरफ चौड़ी सड़कें बनाई जा रही है, यहां अनेक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 साल में दोगुनी हो चुकी है। कोशिश यही है कि आपको मुश्किलें न हो, आपको असुविधा न हो। लेकिन मैं कहता हूं, आप लोग कहते हैं यार मोदी तो बहुत काम करता है, मोदी ने बहुत काम किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, सब बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, लेकिन मोदी क्या बोलता है? मोदी कहता है इतना सारा किया है लेकिन ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। देश को, मध्य प्रदेश को हमें और नई ऊंचाई पर ले जाना है। हम अन्नदाता को ऊर्जादाता और उर्वरक दाता दोनों बनाना चाहते हैं। बिजली का बिल जीरो हो, इतना ही नहीं बिजली से कमाई भी हो आपको, इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हम आपके घर घर पहुंचाने के लिए काम करना चाहते हैं। सौर ऊर्जा, जैविक खाद और इथेनॉल उत्पादन में एमपी के होशंगाबाद के किसान भी नंबर एक पर पहुंचे, इसके लिए हम काम करने वाले। दालों में आत्मनिर्भरता और मोटे अनाज यानी श्री अन्न को दुनिया को बाजारों तक पहुंचाना ये मोदी की प्राथमिकता है। मैं मोहन जी और उनकी सरकार की भी प्रशंसा करूंगा, वो ईमानदारी से यहां आपको दी हुई गारंटियां पूरा करने में जुटे हैं। साथियों, 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा से मेरे नौजवान साथी
भाई विवेक बंटी साहू जी को और 26 अप्रैल को होशंगाबाद से हमारे किसान नेता मेरे साथी दर्शन सिंह चौधरी जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना है। अब अगली बार साथियों मुझे पक्का विश्वास है आप तो जीता ही जीता देने वाले हो, लेकिन मेरी एक अपेक्षा है पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, तोड़ोगे? मेरी अपेक्षा है हर बूथ को जीतना है, बूथ जीतोगे? हर बूथ जीतोगे? बूथ जीतने के लिए ताकत लगा दोगे? तो नोट कर लीजिए, अगली बार नर्मदापुरम आऊंगा तो मावा बाटी और गुड़ की जलेबी के साथ विजय उत्सव मनाएंगे। रामनवमी आने वाली है, राम मंदिर निर्माण होने के बाद इस बार की रामनवमी बहुत महत्व है, विशेष है। आपको भी इस रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा मेरा एक काम करोगे, मेरा एक पर्सनल काम करोगे, ये चौधरी जी का भी नहीं है, साहू जी का भी नहीं है, मेरा है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ करोगे? हर कोई करेगा। अच्छा एक काम करना, जब अपने गांव जाएंगे मोहल्ले में जाएंगे तो अड़ोस पड़ोस के सभी परिवारों में जाकर के कहना कि हमारे मोदी जी होशंगाबाद आए थे, उन्होंने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे? मेरा राम राम पहुंचा देंगे? पक्का पहुंचा देंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के जननायक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपने सुना, मिशन मध्य प्रदेश पर पीएम मोदी नर्मदापुरम में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया और आज जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है उस पर भी अपनी बात रखी। आपको बता दें यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं दर्शन सिंह चौधरी और यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम के अलावा सभी नेता यहाँ मौजूद रहे।